जहां यूपी के 16 जिलों की अगर आप बात करेंगे तो बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी करना पड़ा है और सीएम के आदेश है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं सर्च और रेस्क्यू टीमें वहां तैनात कर दी जाएं। मतलब एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की 42 टीमें हैं, 222 बाढ़ चौकी स्थापित की गई है, ये कहा है सीएम योगी ने। जहां पर अहम ये है जो 16 जिले बाढ़ के खतरे के बीच हैं, बाढ़ जैसी स्थिति है या फिर आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर सीएम ने कहा है, सख्त आदेश दिए हैं कि अब यहां पर जो 42 टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उन्हें भेजा जाए, 222 बाढ़ चौकी स्थापित की जाए जहां लोगों की मदद कर सके। बाढ़ जैसे हालात में सही वक्त पर मदद पहुंचाने की स्थिति रहे, संपर्क अगर टूटता है तो किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना है, इसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। अलर्ट के बाद 222 बाढ़ चौकी बनाई गई है 16 जिलों में। बाढ़ के अलर्ट के बाद सीएम योगी का यह आदेश है कि जहां कहीं भी अलर्ट है वहां पर सर्च और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी जाएं बाढ़ प्रभावित इलाकों में, और इसके लिए कुल एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की 22 टीमें तैनात की गई हैं। अलर्ट के बाद 222 बाढ़ चौकी भी बनाई गई है। सीएम योगी का निर्देश है कि जहां कहीं भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की जरूरत है, जहां कहीं भी लोगों को मदद पहुंचानी है, तुरंत इन टीमों को तैनात किया जाए, उन्हें डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि 16 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश, बढ़ता जल स्तर और मौसम विभाग से भी जो जानकारी मिल पा रही है उसके बाद इन 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात को भांपा गया है, खतरे को भांपा गया है। इसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की 42 टीमें भी बनाई गई हैं। अब इनको सही जगहों पर भेजने का काम किया जाएगा। 222 बाढ़ चौकी बनाई जाएगी कि अगर गांवों का संपर्क टूट जाता है तो उन्हें किस तरीके से लोगों को मदद पहुंचानी है, वहां पर जरूरी सुविधाएं कैसे देनी है, रेस्क्यू करना किसे है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ये टीमें सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाए। इसके लिए ये बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति में संपर्क टूटना, बिजली का ना होना, स्वास्थ्य सेवाओं से जरूरी इमरजेंसी हो तो ऐसे में लोग कहां जाएं, ये सारी समस्याएं इस वक्त तमाम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद समझ गए हैं और मौसम विभाग भी अलर्ट कर चुका है कि ये 16 जिले, यहां पर स्थिति ठीक नहीं है। बारिश और बाढ़ के बाद अब लोगों को राहत चाहिए, तो वो राहत कैसे मिलेगी, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें हैं, 42 टीमें हैं, इमरजेंसी जो भी हो लोगों की मदद के लिए 222 बाढ़ चौकियां रहेंगी जहां से ये मदद मिल पाएंगे। तो यहां पर बड़ा सवाल ये भी बनता है कि मौसम विभाग अब क्या कह रहा है और कितने दिन बारिश होगी, क्या अंदाजा है, क्या आने वाले वक्त में और भी, मानसून तो अभी शुरू हुआ है, पीक क्या होगा, ये सारी चीजें मौसम विभाग पर लगातार दबाव होगा, आपदा प्रबंध पर भी दबाव होगा, और हालात क्या हैं। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमार रिजवी श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सरफराज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश है कि वहां पर जो है केंद्र स्थापित किए जाएं, बाढ़ चौकियां वहां पर बनाए जाएं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ तमाम टीमें वहां पर तैनात की जाएं, तो क्या वो टीमें दिख रहे हैं, क्या चौकियां वहां पर बना दी गई और हालात क्या है इस वक्त, नदियों का जलस्तर क्या है वहां? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि राप्ती ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार उसका रात देर रात तक जलस्तर बढ़ता रहा, खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर से नीचे बह रही थी राप्ती, लेकिन इस टाइम कुछ टूटी हुई नजर आ रही है। वही आपको ये बता दें कि हम इस वक्त मधुवापुर घाट पर हैं, जहां पर ये पूरी रोड अस्तित्व खतरे में है, अगर ये रोड कटती है तो करीबन 100 से अधिक गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे। और अगर बात की जाए कि बाढ़ चौकियों की, तो बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, वहीं प्रशासन पूरे युद्ध स्तर पर काम में तो जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस रोड पर खतरा बना हुआ है लगातार, क्योंकि जलस्तर राप्ती का बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है कि जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राप्ती का, क्योंकि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते आसपास के जिलों में भी बहराइच में घाघरा अपना रौद्र रूप दिखाए है, तो वहीं लखीमपुर में शारदा और घाघरा ने भी अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया। बहरहाल श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई जगह पर चौकियां स्थापित कर दी गई हैं, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है,
एनडीआरएफ और पीएससी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो पूरी तरीके से तैयार है और रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का भी काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बिल्कुल अंबार, जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोड की जो स्थिति दिखा रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बस किसी तरीके से संभाला गया है। चलिए और हम रुख कर लेते हैं सरफराज का और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है, कहां पर मौजूद हैं आप, वहां के क्या हालात है, बताइए सरफराज। देखिए, अगर मौजूद की बात करें तो ये मंडावर इलाका है और मंडावर इलाका और चांदपुर इलाके में लगातार जो है गंगा के जल स्तर बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर बाढ़ आई है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो है गांव बाढ़ की चपेट में। लेकिन अगर गंगा का जल स्तर की बात करें तो फिलहाल 2 दिन से जो है गंगा का जल स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जो ग्रामीणों की परेशानियां हैं वो लगातार जो है बरकरार हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि जो जंगली जानवर हैं और साथ ही जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनके घर की ओर रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात खास तौर से यह आ रही है, गंगा अपना कटान जो है लगातार कर रही है, इसको लेकर के डीएमएसपी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने जायजा लिया, ग्रामीणों से मिले और उनसे पूछा कि आपको हर संभव जो है मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया है। जी बिल्कुल जी। सरफराज और अम्मा ड्रेस भी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें आपने दिखाई, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हालांकि गंगा का जलस्तर पहले की तुलना में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियां दूसरी तरह की वो बताएं।